ऑलराइट, आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A03s की। इस फ़ोन को जिस प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इस फ़ोन को रिकमेंड करना किसी को, क्योंकि ये एक ऑफलाइन मार्केट को टारगेट कर रहा है ये फ़ोन। और ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये होता है कि यार वहाँ पे ज़्यादातर रैम को कंसिडर किया जाता है। कोई भी आप शॉप पर जाते हो और बोलते बस हमें 4GB 64GB वाला फ़ोन दे दो, तो इसके अंदर 4GB 64GB तो है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है, जो इसकी चार्जिंग स्पीड है, जो इसका प्रोसेसर है, वो बिल्कुल भी इस प्राइस के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब कि काफ़ी लो चीज़ें इसमें लगाई गई है। और ऊपर से सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग जो है यार 20-30 हज़ार रुपये में इतने वो जो है स्पेक्स को तो नहीं देखता, वो बस अपना सैमसंग का नाम लोग देखते हैं, उसी वजह से लोग खरीद लेते हैं। लेकिन ये कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ मतलब कसम खाई हुई कि मुझे किसी कोई और फ़ोन यूज़ नहीं करना, मुझे सिर्फ सैमसंग यूज़ करना है, तो तब तो ले लें, वरना उसके अलावा मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करूँगा। ये अनबॉक्सिंग अगर वही नॉर्मल एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का, अगर आपने दूसरे ए सीरीज़ के देखे हुए हों, यहाँ पर इन्होंने कवर भी प्रोवाइड नहीं किया। मतलब एक बेसिक सी चीज़ होती है, जब आप 20-30 हज़ार रुपये का फ़ोन लेते हो ना, तो मार्केट में उसके कवर वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं शुरू शुरू में, लेकिन इन्होंने वो कवर तक भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड नहीं किया आप लोगों को, बस ऐसे ही फ़ोन ना उठा के दे दिया। तो ये सीन है इस फ़ोन का। बाकी अनबॉक्सिंग में आपको दिखा देता हूँ और कुछ वीडियो सैंपल्स वगैरह दिखा दूँगा, ग्राफिक पबजी ग्राफिक भी दिखा दूँगा। खैर पबजी के लिए तो फ़ोन नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो मतलब पबजी लाइट भी इसके ऊपर इतनी अच्छी नहीं चलेगी। ऊपर जो है इन्होंने अपने कुछ फीचर जो है हाईलाइट किए हुए हैं फ्रंट वाली साइड के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि इन्होंने ना USB-C दी हुई है। ज़्यादातर इस प्राइस के अंदर आपको नॉर्मल दूसरी वाली USB मिलती है, मिनी USB, लेकिन यह है कि USB-C एक अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चार्जिंग स्पीड है ना, वो 7.5 वाट है। और उसके अलावा वेबसाइट पे मेंशन है कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इनबॉक्स जो आपको चार्जर मिल रहा है वो 7 वाट या 7.5 वाट तक का आ रहा है। तो ये 5000 mAh की बैटरी को इस चार्जर से चार्ज करने में ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो यार चार्जिंग के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। बाकी सैमसंग हैंड फ्री जो है एक अच्छा बोनस पॉइंट है, आपको एक हैंड फ्री मिली है सैमसंग की तरफ से, लेकिन चार्जिंग सिचुएशन इसकी बहुत बुरी है। मतलब कि यहाँ पे कम से कम 18 वाट का चार्जर होना चाहिए था, क्योंकि जो दूसरे ब्रांड है वो आपको इस प्राइस के अंदर 18 वाट का चार्जर प्रोवाइड करते हैं। बाकी तो खैर यहाँ पर बॉक्स में इतना कुछ है नहीं। अच्छा, प्रोसेसर का इसका सीन ये है कि इसके अंदर ना हीलियो P35 प्रोसेसर लगाया गया है। मतलब हीलियो G35 होता है ना, तब भी कुछ ना कुछ चल जाता है। और हीलियो G35 भी एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि 17-18 हज़ार रुपये 16 हज़ार में पहले मिल रहा था। P35 तो बहुत ही बाबा आदम के ज़माने का प्रोसेसर है, पता नहीं इस प्राइस में क्यों दे दिया इन्होंने। लेकिन P35 जो है इस प्राइस के अंदर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 महीने फ़ोन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे यार ये तो हैंग होता है। वो अक्सर लोग बोलते हैं ना सैमसंग के फ़ोन हैंग होते हैं, तो उसकी यही सबसे बड़ी मेन रीज़न होती है कि यार वो सैमसंग जो है ना अपने ये जो मिड रेंज फ़ोन होते हैं, लोअर मिड रेंज के, इसमें प्रोसेसर वगैरह को इतना वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता। उनको पता है कि यार लोगों ने सैमसंग का नाम देखना है, 4GB RAM देखनी है और ले लेना है, तो ये वाला कुछ सीन है। बाकी इस प्राइस के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह करनी है, तो हीलियो G85 जैसे प्रोसेसर मिल जाते हैं, G80 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है इस प्रोसेसर के मुकाबले में जो इसके अंदर लगा हुआ है। और क्योंकि यार सिर्फ 4GB से रैम से कुछ नहीं होता, आपको जो है प्रोसेसर चाहिए होता है अच्छा वाला, जो 4GB RAM को सपोर्ट करे। और कैमरे की बात करें तो भाई 13 MP का मेन कैमरा है, बाकी 2-2 MP के दो और कैमरे लगे हुए हैं, और फ्रंट जो कैमरा है वो 5 MP का है। और उसके अलावा जो सिम और चार्जिंग का सीन है, उसमें ये कि आपको पूरा सब कुछ मिल जाता है। मतलब कि आप 2 SIM लगा सकते हो, एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, तो फुल पैकेज है यहाँ पर। चलिए जी, ये आपका वही टिपिकल सैमसंग का जो लुक है One UI का। और यार ये One UI एक सैमसंग का प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से इनके फ़ोन लोग लेते हैं, क्योंकि लोगों को ना आदत हो चुकी है इस यूज़र इंटरफेस की, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हमें सैमसंग का फ़ोन चाहिए इसी वजह से। तो एंड्रॉयड 11 है और सैमसंग का जो है इसके अंदर UI लगा हुआ है, One UI जो आता है सैमसंग का।
और इसकी जो स्क्रीन है ये भी मतलब कोई HD स्क्रीन नहीं है, फुल HD स्क्रीन नहीं है, 720 पिक्सल की स्क्रीन है, तो ये भी बहुत ही कोई बेसिक किस्म की स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर। तो यार काफ़ी मतलब छोटे छोटे मसाइल है इस फ़ोन के साथ। और बाकी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल भी दिखा दूंगा। और फाइनल ओपिनियन की अगर बात करूँ ना, मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। सीन यही है कि यार अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का फ़ोन ढूंढते हैं इस फ़ोन के अंदर, इस रेंज के अंदर, तो तब तो चलो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए ना, आपको अच्छी स्पीड वाला फ़ोन चाहिए, अच्छे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, इससे थोड़ा बेटर फ़ोन चाहिए, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कैमन 17 है, 1000-2000 रुपये से महंगा आता है, इस प्राइस के अंदर भी मिल सकता है। और भी कुछ फ़ोन्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे और जो कि फास्ट होंगे। ये फ़ोन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का फ़ोन लेना है, या जिनको सिर्फ और सिर्फ वन UI की आदत लगी हुई है कि यार हम किसी और UI पे हमारे वो नहीं कर सकते हैं। तो ये वही वाला सीन है कि यार बस जो ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग के लॉयल कस्टमर्स हैं ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग लेना है, तो ये उनके लिए फ़ोन बनाया गया है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।